जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे आज के समय में एमए किस सब्जेक्ट से करना चाहिए और क्या हम बीएससी के बाद एमए कर सकते हैं, बीटेक के बाद एमए कर सकते हैं, बीसीए के बाद एमए कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं एमए कोर्स के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो साथियों, बात करते हैं एमए कोर्स के बारे में कि एमए हमें किस विषय से करना चाहिए, कौन कौन एमए कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले, जैसा आप सभी को पता है, एमए क्या है, आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है, यानी कि जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ये आपका किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से किया जाता है। इसको आप तीनों ही मोड में कर सकते हैं, आप रेगुलर भी कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी कर सकते हैं और ओपन से भी कर सकते हैं। तीनों ही मोड में जो आपकी डिग्री होगी पूरी तरीके से मान्य होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें साथियों, क्या बीए के बाद ही एमए कर सकते हैं, हम बीएससी के बाद एमए नहीं कर सकते, क्या बीटेक के बाद एमए नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों, आप ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया है, चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, तो आप उसके बाद एमए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स किया है, आप एमए कर सकते हैं। अब कि हम कर सकते हैं तो किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं वो मैटर करता है। तो साथियों, जैसे आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम के बाद में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप एमए कर सकते हैं। जैसे आप एमए इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, तो आप इन सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। हाँ, जब आपने बीकॉम से किया तो आप मैथ से नहीं कर सकते, ये कंडीशन यहां पर होती है। इससे आगे बात करें साथियों, जैसे आपने बीटेक किया है तो आप मैथ से कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, यानी कि आप काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप अपने एमए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बात करें साथियों, जैसे बीए में आपने तीन सब्जेक्ट थे आपके, जैसे हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो आप इन तीनों से तो आप एमए कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपने हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अलावा आप इकोनॉमिक्स से एमए करना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट से एमए करना चाहते हैं, आप ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, हिस्ट्री से करना चाहते हैं, इंग्लिश से करना चाहते हैं, हिंदी से करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप कोई दूसरे सब्जेक्ट से एमए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है, जब आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पीजीटी में आप नॉट एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट मैच नहीं होते, तो वहां पर आपके सब्जेक्ट मैच होना जरूरी है। लेकिन यदि आपको जैसे पीएचडी करना है, आपने तीन सब्जेक्ट लिए थे बीए में, हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अब लेकिन आपको इंग्लिश से पीएचडी करनी है, तो आप अपना इंग्लिश से एमए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपने ग्रेजुएशन में आपके पास नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए आप कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप अपना पीएचडी कर सकते हैं इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपके पास यदि बीए में वो सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप उन सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट कि आज के समय में किस सब्जेक्ट से एमए करना सही रहेगा। तो साथियों, सभी सब्जेक्ट अपने आप में बेस्ट है, सभी सब्जेक्ट का अपना अपना स्कोप है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। सपोज दैट आपने तीन सब्जेक्ट से आपने अपना बीए किया है, हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब मैं आपसे कहूं कि आप जो है ज्योग्राफी से कर लीजिए, लेकिन आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है नहीं, मुझे तो नहीं पता कि आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है या नहीं है। अब आपने ज्योग्राफी पढ़ तो लिया, ज्योग्राफी कर तो लिया, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप उसमें आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ज्योग्राफी का स्कोप नहीं है, तो मैं आपसे वही सजेस्ट करूंगा कि जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट से अपना पीजी कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से करिए, चाहे वो आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है। बाकी सभी सब्जेक्ट अपने आप में बेस्ट हैं। यदि कॉमन सब्जेक्ट की बात करें कि स्कोप सबसे ज्यादा किसका चल रहा है, तो आप इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स काफी अच्छा है, इसकी आज की डेट में जॉब वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक्स में आप कर सकते हैं। आप ज्योग्राफी से कर सकते हैं, आप जो है सोशल से कर सकते हैं, आप सोशल साइंस से कर सकते हैं, उसका भी काफी अच्छा स्कोप है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री से कर सकते हैं, हिस्ट्री में आपको जो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर काफी हेल्प मिल जाती है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।